एक सूफी योगी इतना प्रेमपूर्ण, इतना आनंदित था। उनका पूरा जीवन हंसी, संगीत, नृत्य से भरा हुआ था। कथा कहती है कि ईश्वर उनमें बहुत रुचि लेने लग गए, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका पूरा जीवन ही प्रार्थना था। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे कभी मस्जिद नहीं गए, उन्होंने भगवान का नाम तक कभी नहीं लिया। उनका पूरा अस्तित्व तो ईश्वर की उपस्थिति के पक्ष में था। यदि किसी ने उनसे पूछा कि क्या ईश्वर अस्तित्व में है या नहीं, तो वह बस हंसते थे। लेकिन उनकी हंसी ना तो हाँ थी और ना नहीं। ईश्वर स्वयं उस अजनबी सूफी से आकर्षित हो गए और उन्होंने सूफी के पास आकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह रहें, नहीं कि वे एक घंटे के लिए प्रार्थना करें और फिर बाकी 23 घंटे सब कुछ उसके खिलाफ करें। ये नहीं कि वे मस्जिद में प्रवेश करते समय बहुत धार्मिक बन जाए और जब वे बाहर निकलें वे अपनी पवित्रता को मस्जिद में छोड़ दें और वे अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाए, क्रोधित, ईर्ष्यालु, चिंताओं से भरे, हिंसा से भरे। मैंने तुम्हें देखा है और मैंने तुमसे प्यार किया है, यही रास्ता है, तुम प्रार्थना बन गए। तुम अभी इस समय मेरे लिए एकमात्र तर्क हो दुनिया में कि कुछ और भी मौजूद है इंसान से अधिक। हालांकि तुमने कभी तर्क नहीं किया है, तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया, वे चीजें अतिरिक्त हैं, लेकिन तुम जीते हो, तुम प्यार करते हो, तुम इतने आनंदित हो कि कोई भाषा की आवश्यकता नहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं मेरे अस्तित्व के पक्ष में तर्क बन जाती। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते। उस सूफी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना आनंदित हूँ और मैं कल्पना नहीं कर सकता कुछ और हो सकता है। माफ करना, मैं मांग नहीं सकता क्योंकि मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। तुम उदार हो, तुम प्यार करते हो, तुम करुणामय हो, लेकिन मैं इतना भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर किसी और चीज के लिए कोई स्थान नहीं। तुम्हें माफ करना पड़ेगा, मैं मांग नहीं सकता। ईश्वर ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मांगोगे नहीं, इसलिए अपने लिए मत मांगो, लेकिन तुम दूसरों के लिए मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, जिन्होंने कभी किसी ऐसी चीज के लिए धन्यवाद नहीं दिया है जिसके लिए वे आभारी हो सकते। मैं तुम्हें चमत्कारों को करने की शक्तियाँ दे सकता हूँ और तुम इन सभी लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो। उस सूफी ने कहा, यदि तुम जिद कर रहे हो तो एक शर्त के साथ मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार कर सकता हूँ। ईश्वर ने कहा, एक शर्त के साथ? तुम वास्तव में अजीब, शर्त क्या है तुम्हारा? सूफी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा क्या हो रहा है। ये मेरे पीछे होना चाहिए, ये मेरी छाया के माध्यम से होना चाहिए, मुझे नहीं। मैं हो सकता हूँ कि गुजर रहा हूँ, मेरी छाया किसी मरे हुए पेड़ पर पड़ सकती है और पेड़ फिर से जीवित हो सकता है, फिर से हरा भरा, फिर से फूलों और फलों से भारी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं वापस गिरना नहीं चाहता। यदि मुझे पता होता है कि मैंने ऐसा किया है या यहाँ तक कि भगवान ने कि मुझे उस उपकरण के रूप में चुन लिया है, तो मेरी शर्त है, एक अंधा मनुष्य देख सकता है, लेकिन ना तो उसे पता चलना चाहिए कि ये मेरे कारण है, ना ही मुझे पता चलना चाहिए कि ये मेरे कारण। मेरी छाया मेरे पीछे से सभी चमत्कार करेगी यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार कर सकते। और याद रखो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि मैं इतना आनंदमय हूँ, मुझे दुखी दुनिया में वापस ना खींचो। और कहा जाता है कि ईश्वर ने उससे कहा, तुम सिर्फ अजीब नहीं हो, तुम अनूठे हो और दुर्लभ भी, और तेरी इच्छा पूरी हुई, जा, तुझे कभी नहीं पता चलेगा कि तेरे चारों ओर क्या हो रहा है। चमत्कार तेरे चारों ओर हो रहे होंगे, जहाँ भी तू जाएगा चमत्कार होंगे, ना तो वे लोग जानेंगे कि तुमने वो चमत्कार किए, ना तुम जानोगे कि तुमने वो चमत्कार किए। मैं शर्त को याद रखूंगा।